हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों भाई, इस समय एमिस्टकार्ड पर और मोज ऐप पर भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। दोस्तों जैसे कि जानते हो, अगर आप एमिस्टकार्ड का इस्तेमाल करते हो तो भाई एमिस्टकार्ड पर हमारे पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे लोगों ने इसे ईमेल्स किए हुए, मतलब इस तरीके से मैसेज किए। यहाँ पर आप देख सकते हो, शिल्पी झा ने मेरे पास मतलब मैसेज किया, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे बताया मुझे कि हमारी जो एमिस्टकार्ड की आईडी जो है भाई मोज ऐप पर दिखाई जा रही है। मतलब हमारी मोज ऐप पर भाई जितने फॉलोवर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो शिल्पी झा के मतलब एमिस्टकार्ड पर फॉलोवर्स यहाँ पे देखिए 28 के फॉलोवर्स हैं। अब मैं यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, और यहाँ पे 1604 मतलब फॉलो, मतलब इन्होंने 1604 लोगों को फॉलो किया है और 2.8 मिलियन इनके लाइक आए हुए हैं। अब दोस्तों ये आईडी भाई मोज ऐप पर दिखाई जा रही है, आईडी इनकी भाई मोज ऐप पर दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे इस आईडी में देखिए 28 के फॉलोवर्स फॉलोइंग, और यहाँ पे देखिए 2.9 मिलियन लाइक, मतलब दोनों सगे सेम बराबर। मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्पेंस हो गया, क्योंकि दोनों आईडी दोनों जगह अच्छी तरीके से काम कर रही है। और यहाँ पे दोस्तों ये आईडी जो मुझे मोज ऐप की दिखाई हुई है इन्होंने, तो ये आईडी इनकी पहले वाली है, मतलब जब इनकी मर्ज नहीं हुई थी। एमिस्टकार्ड का अकाउंट मोज ऐप में मर्ज हो गया 28 के और 28 के 56 के होने चाहिए, मतलब 56 के फॉलोवर्स होने चाहिए, लेकिन इनके ये फॉलोवर्स कम हो गए। तो दोनों मिला के इनके भाई 49 के फॉलोवर्स कंप्लीट हो गए मोज ऐप पर, जाकि एमिस्टकार्ड आईडी किया हुई। अब देखिए शिल्पी जी की, जाकि एमिस्टकार्ड आईडी उतने ही फॉलोवर्स हैं। यहाँ पे देखिए 28 के फॉलोवर्स हैं, मतलब यहाँ पे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और जो भी एमिस्टकार्ड पर अभी अपडेट आया, उन्होंने अपडेट किया, तो अपडेट में भी उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये जो आईडी मर्ज हुई है, तो दोस्तों जैसा कि जानते हो भाई एमिस्टकार्ड पर जो पहले वक्त चल रहे थे, उसमें एमिस्टकार्ड पर एक फॉर्म लॉन्च हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो एमिस्टकार्ड बाय मोज, तो इसमें एक फॉर्म आप लोगों ने फिल किए थे, जिसमें आप लोगों ने अपने फॉलोवर्स बताए थे कि हमारे एमिस्टकार्ड पर कितने फॉलोवर्स हैं और कितने हमारे लाइक हैं, कितने हमारे मतलब वीडियोज पड़े हुए हैं, ये सब चीज़ें इस फॉर्म में आपने डिटेल से यूज की थी। तो जैसे जिन लोगों ने वो फॉर्म को भरा था, तो उन्हीं लोगों की आईडी भाई मोज ऐप पे दिखाई जा रही है। अब बात कर लेते हैं इनके प्रॉफिट के। अब देखिए यहाँ पे जो मोज ऐप की एमिस्टकार्ड की आईडी मोज ऐप पर आके दिखाई जा रही है, तो यहाँ पे प्रॉफिट, अगर आपका मोज ऐप पर आपका सिलेक्शन हो चुका है एमएफसी में, तब तो देखिए आपको एक ही जगह प्रॉफिट मिलेगा, प्रोडक्ट पर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जितने भी एमिस्टकार्ड पर इवेंट्स आएंगे और जितने भी मोज ऐप पर इवेंट्स आएंगे, वो दोनों जगह आपको मिलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एमएफसी से रिलेटेड जो भी सिस्टम आएगा, जो पैसे कमाने से रिलेटेड होगा, अगर एमिस्टकार्ड का रूल्स अलग हुआ और मोज ऐप का रूल्स अलग हुआ, तो आपको दोनों जगह पैसे मिलेंगे। ये डिसाइड करता है एमिस्टकार्ड के अपडेट के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों की भाई आईडी इस तरीके से दिखा रही है, तो वो भाई क्या करें, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, ठीक है, किन लोगों की दिखाई जा रही है। और देखिए यहाँ पे सेम टू सेम यही है कि आपकी आईडी तभी दिखाई जाएगी मोज ऐप पर जब आपने इस तरीके से ये फॉर्म भरा होगा, और उसके बाद में सेम नंबर से ही अकाउंट बना हुआ होगा। जैसे यहाँ पे नंबर से बनाया हुआ है, वहाँ पे भी नंबर से बना हुआ होगा। दोस्तों यहाँ पे जो लोगों की एमिस्टकार्ड आईडी मोज ऐप में दिखाई जा रही है, तो यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जैसा कि जानते हो एमिस्टकार्ड पर बहुत सारे बग आ गए थे, तो भाई एमिस्टकार्ड बिक गया था सेर्च चीट के साथ, तो एमिस्टकार्ड को लग रहा था कि हम ऐसे पता नहीं हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों की आईडी, जैसे हम लोगों की आईडी जो भाई मोज ऐप ने भाई अपने कंट्रोल में ले ली थी, और एमिस्टकार्ड भाई मोज मर्ज कर लिया था, मतलब हम लोगों को फॉर्म भी फिलअप करवा लिया था, जैसे कि मैंने वीडियोस भी बनाई थी, तो उनको ये लग रहा था बाय द वे अगर हमने एमिस्टकार्ड को अपडेट नहीं कर पाया, एमिस्टकार्ड पे वो सारे सिस्टम नहीं सही हो पाए, तो हम क्या करेंगे, एमिस्टकार्ड की आईडी डायरेक्टली मोज ऐप में दिखाएंगे। तो यही चीज लोगों के साथ हो रही है। लेकिन यहां पे अभी आप टेंशन मत लीजिएगा, एमिस्टकार्ड पर धीरे धीरे सब अपडेट्स हो रहे हैं, और एमिस्टकार्ड अगर अच्छी तरीके से कंट्रोल ही हो गया, तो आपकी एमिस्टकार्ड आईडी मोज ऐप पर नहीं शो की जाएगी, ठीक है। वहां पे जैसे ही आपकी एमिस्टकार्ड आईडी थी, वैसे ही एमिस्टकार्ड आईडी रहेगी। यहां पे आपको टेंशन लेने की अभी कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एमिस्टकार्ड अपने आप में खुद अपडेट ला रहा है, जैसे कि अभी अपडेट्स आए हुए हैं, और भी ज्यादा अच्छे अच्छे अपडेट्स आएंगे, और एमिस्टकार्ड को आप भाई पूरी संपूर्ण तरीके से पता लग चुका है, हम अपने प्लेटफॉर्म को अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे और अच्छे तरीके से पैसे कमाने से रिलेटेड अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स भी लाएंगे, और एमिस्टकार्ड अच्छे तरीके से अपडेट हो जाएगा, और अपडेट होने के बाद अच्छा खासा ग्रो भी करेगा। और यहाँ पे जितने भी बग्स है वो एमिस्टकार्ड पर वो सारे फिक्स हो गए। अब देखिए जिन लोगों की एमिस्टकार्ड आईडी मुझे में दिखाई जा रही है, तो हेड पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताई दिया, पहले एमिस्टकार्ड की मजबूरी थी, तो अपने हैंडल में उसको करना ही था, ठीक है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया, शायद आप समझ ही चुके होंगे कि एमिस्टकार्ड आईडी मुझे पे क्यों दिखाई जा रही है। तो देखो आप जानते ही हो भाई, पहले एमिस्टकार्ड को विश्वास नहीं था कि हमें अपने एमिस्टकार्ड को भाई कंट्रोल कर पाएंगे। अब देखिए एमिस्टकार्ड पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया। अब जो भी चीजें आपके उल्टा सीधी हो रही है आपके साथ मोज ऐप के साथ अटैच वाली, तो रिकमेंडेड तो वीडियो का जा ही रहा, लेकिन आईडी सभी लोगों की शो नहीं कर रही है। मुझे भी पता है कुछ लोगों की शो कर रही है। देखिए जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया था, तो उनकी तो शो नहीं करेंगी, और जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया था, उनकी शो कर रही है। लेकिन यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एमिस्टकार्ड का संपूर्ण तरीके से अपडेट हो रहा है। अब यहाँ पे आपकी आईडी जो मोज ऐप पे दिखाई जा रही है, वो भाई कैंसिल हो जाएगी, डायरेक्ट आप एमिस्टकार्ड पर ही रहोगे। लोग भी चेकआउट करना कि आपकी आईडी मोज ऐप पे तो नहीं दिखाई जा रही है, ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मेरे भाई मिलते हैं नई वीडियो में, नई टॉपिक साथ, तो चलिए जय।